चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप लोगों ने मेरा बैकड्रॉप चेक किया हो। सो बिकॉज दिस इज डिसम्बर एंड इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर एंड मैंने सोचा क्यों ना अपना क्रिसमस ट्री रखा जाए। दिस इज वेरी टॉल, ये अभी वीडियो में बहुत थोड़ा सा आ रहा है, आप लोग मेरी रील्स चेक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। सो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट विंटर्स ओनली, वॉट ऑल आर द स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आई हैव डिस्कवर्ड रिसेंटली, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैंने पहले से यूज किए हैं बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत न्यू हैं एंड मुझे ट्राई करने थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट हैज टू बी माय फेवरेट, सो दिस इज द लॉरियल्स नाइट क्रीम। सो इसको ना मैं आई थिंक एक हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ, आप लोग मेरे बाल देख सकते हो, मैंने कल ही शैम्पू किया है एंड दिस इज bomb.com, यू गाइज मस्ट 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 हैव इट। इससे अच्छी हेयर क्रीम मैंने ट्राई नहीं की है। सो दिस वॉज फॉर ₹499 बट मुझे ये डिस्काउंट पे मिली है ₹324 की, विच इज लाइक सो गुड डील क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बॉटल है, लाइक दिस इज 2.77 ml, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है ना। आपको क्या करना होता है, बहुत थोड़ा सा यूज करना होता है ना, आपके बाल अगर आपके फ्रिजी बाल है ना तो दिस इज लाइक द सेवियर प्रोडक्ट फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट। ओके गाइज, सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज समथिंग विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर लाइक 6-7 months स्ट्रेट। सो इसीलिए मैंने ये दोनों इसके परचेस कर लिया था। दिस इज अ लिप बाम, ये ना एक फार्मेसी लिप बाम है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड NMF एंड इतना ज्यादा मॉइस्चराइजिंग लिप बाम है। इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है एंड दिस इज SPF 40+। सो इसका ना कोई टेस्ट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है जब आप लिप बाम लगाते हो ना, एक अजीब सा टेस्ट आता है जो पूरा टाइम आपके लिप्स पे रहता है एंड कई बार तो मुंह के अंदर भी चले जाता है, तो मुझे वो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस वन। मैंने इसका दूसरा भी परचेस कर लिया है सो दैट की खत्म ना हो बिल्कुल भी। सो मैंने ये सब कुछ Amazon से मंगाया है, लाइक जितने भी अभी प्रोडक्ट्स मैं आगे दिखाने वाली हूँ ना कोई सेल हमेशा चलती रहती है। सो चेकआउट कर लेना, बिफोर एंड आफ्टर प्राइस जो भी होगा मैं मेंशन कर दूंगी। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज समथिंग विच आई हैव बीन वांटिंग टू ट्राई फॉर सो लॉन्ग नाउ, दिस इज द एक्वालॉजिका रेडियंस ड्यूई सनस्क्रीन। ये है वाटरमेलन एंड नायासिनमाइड से बनी हुई है, दिस इज SPF 50+। जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया ना, मतलब अभी एक दो हफ्ते हो गए हैं, इट इज सो गुड यू गाइज। मैं क्या करती हूँ ना, इसके 2-3 pumps ऐसे लेती हूँ एंड इसको इसकी कंसिस्टेंसी देखो, इतनी सॉफ्ट है, ऐसा लगता है आपने कुछ लगाया ही नहीं है एंड ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। तो मैं भी इसको हाथ पे लगा लेती हूँ बिकॉज फेस पे ऑलरेडी मैंने मेकअप किया हुआ है। इट्स सो गुड यू गाइज, दिस इज वाटरमेलन फ्लेवर, स्मेल्स लाइक वाटरमेलन ओनली। ओके, सो इसका MRP वो ₹399 एंड ये मुझे मिला है ₹326 का। आई नो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है बट आई थिंक इस पे ना डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो जब भी थोड़ा सा भी डिस्काउंट लगे ना, देन डू ऑर्डर इट। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट प्रोडक्ट। मेरे ना सारे फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं, आई डोंट नो व्हाई ना, बट दिस इज हैंड क्रीम फ्रॉम प्लम। ये वाला जो फ्लेवर है ना, ये एक्चुअली मैंने ट्राई नहीं किया बट इसकी हैंड क्रीम्स मैंने जरूर ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद है। विंटर्स में मेरे हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, मतलब ऐसे बिल्कुल वो स्किन निकलने वाली हो जाती है। सो मैं एक ऐसी हैंड क्रीम जरूर रखती हूँ सो दैट कि मैं पूरा दिन जब भी हैंड वॉश करूँ ना, उसके बाद इसको लगा लूँ एंड मॉइस्चराइज सा फील होता है। इसकी स्मेल ट्राई करते हैं कैसी है। एक्चुअली मैंने इसको भी ओपन भी नहीं किया था, ये तो बिल्कुल न्यू फ्लेवर है, मुझे तो ये ट्राई करना था। किस चीज़ की स्मेल है मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो वॉट द स्मेल इज बट दिस इज रियली नाइस एंड इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। लाइक मुझे स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है ना वो माइग्रेन देती है, बट दिस वन इज रियली शान शान सी स्मेल है जो ज़्यादा नहीं चढ़ेगी। इसका MRP वो 275 एंड ये मुझे मिली है 198 की, विच इज़ लाइक सच अ गुड डील। प्लम के प्रोडक्ट्स मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी ग्रीन टी वाला जो वो वेरिएंट है वो मुझे बहुत पसंद है एंड इसकी जो हैंड क्रीम्स है वो मुझे बहुत पसंद है। सो ये ऐसी चीज़ है, आप इस पर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, विंटर्स में आपको बहुत काम आने वाली है। सो गाइज, वी आर लेफ्ट विद 2 more products। उसके बाद आता है ये मॉइस्चराइजर। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल ट्राई दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज डॉक्टर शेड्स ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, दिस इज सेरामाइड एंड वाइटामिन सी। मैं इसको आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ओह वाओ, बहुत ज़्यादा आ गया। तो ऐसा सा है, इट्स नॉट वेरी जेल बेस्ड बट इट्स नॉट वो जो थिक वाले मॉइस्चराइजर होते हैं। आई डोंट लाइक थिक वाले मॉइस्चराइजर बट मुझे टू जेली भी अच्छे नहीं लगते, तो दिस इज समथिंग जो बैलेंस वाला मॉइस्चराइजर है एंड अगेन इसकी कोई स्मेल नहीं है। आई डोंट लाइक द मेडिसिनल स्मेल जो होती है ना प्रोडक्ट्स में, दिस इज रियली नाइस एंड आई होप ये अच्छा हो स्किन में, क्योंकि अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया तो आई कैन नॉट रिव्यू इट, बट आई एम श्योर मैं इसको थोड़ा टाइम अप्लाई करने के बाद आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सो 349 का MRP था एंड हमें ये मिला है 279 का।
मतलब विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी गुड डील। जितने भी लिंक्स हैं इन प्रोडक्ट्स के मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए। एंड लास्ट प्रोडक्ट इज दिस सैलिसिलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड द डर्मा को। सो अगर आप लोगों के पिंपल्स हैं ना, देन दिस प्रोडक्ट इज योर सेवियर। इतने जल्दी आपके पिंपल्स इससे साफ हो जाते हैं ना, आई कैनॉट टेल यू इनफ। सो ये वाला भी मैंने ऑब्वियसली यूज किया, इसलिए मैंने वापस मंगाया है। एब्सोल्युटली लव इट। इसका MRP वो 299 एंड ये मुझे मिला है 244 का। एब्सोल्युटली लव इट। सो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं ये मेरे को विंटर्स में ना स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो आपको और कौन से प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक वन डेडिकेटेड वीडियो। सो डू चेक आउट द Amazon सेल। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू, टाटा गाइज।